जनपद में जैसा कि गणतंत्र दिवस आ रहा है तो पूरे जनपद भर में लगातार हमारे द्वारा और आईजी साहब के द्वारा, एडीजी सर के द्वारा विभिन्न विभिन्न स्थानों पर चेकिंग चलाई जा रही है। उसी क्रम में 23 तारीख को जब हमारे थाना अध्यक्ष बाहर चेकिंग कर रहे थे तो एक बाइक पे दो व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े। उनका नाम था गणपत और डग्गी राजा। गणपत जब इनको रोकने की कोशिश की तो गणपत तो वहाँ मिल गया लेकिन डग्गी राजा वहाँ से भाग गया। तो संदिग्धता प्रतीत हुई। जब गणपत को हम लोग थाने पर लेके आए, गहनता से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो बाइक ये चला के ला रहा था वो चोरी की थी। हमने जब मिलान कराया तो चोरी की मिली, इसके नाम पर नहीं थी। जब और थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैंने और भी जगह से चोरियाँ की हैं, खास करके ये टीकमगढ़ और छतरपुर MP साइड के, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारे ललितपुर क्षेत्र में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इनके ही द्वारा बरामदगी लगभग 6 बाइकों की कराई गई है। इनका जो इसका एक जो भाई है गणपत का, वो फरार है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गणपत के ऊपर पहले भी कई मुकदमे हैं, लगभग 5 मुकदमे हैं। तो ये ठीक सा एक भाइयों का गैंग था, तो इससे मुझे लग रहा है शहर क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में बाइक चोरी पर अंकुश लगेगा।